इसी दिए हुए काम नहीं होना, करीब करीब ये हर इसको एक तरह से ध्रुव सत्य लोगों ने मान लिया है। और अफसरशाही का आलम यह है कि ज्यादातर लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो पंचायती राज से जुड़े हुए, या उसके ऊपर एमएलसी एमएलए लोग हैं, या मंत्री हो या नीचे सामान्य जनता हो, हर व्यक्ति एक बात तो जरूर बता रहा है कि साहब अफसरशाही हावी है। ये जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, ये अफसरों द्वारा संचालित जंगल राज है। हम लोगों ने इस राज्य में अपराधियों का जंगल राज देखा था। आज जो प्रशासन है, आज जो व्यवस्था है, ये अपराध, ये अफसरों के द्वारा चलाए जाने वाला जंगल राज है, जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो अफसर के मन में आता है वही करता है। सामान्य जनता के लिए तो वही लोग माई बाप है, जो वो तय कर दे वो आपको मानना है, नहीं मानिएगा तो वही करेगा जो उसकी इच्छा है। तो तीन शब्द, भ्रष्टाचार, पीसी और अफसरशाही। इसके अलावा सरकार को लेकर उदासीनता, राजनीतिक जो यहाँ परिस्थिति है, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश जी के लिए कम से कम जो मुख्यमंत्री हैं, मैंने जिस तरह के शब्द प्रयोग लोगों के द्वारा सुना, तो मेरे लिए एक तरह से, मैं बार बार कहता हूँ कि 14-15 में नीतीश कुमार जी का जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे, तो चंपारण का वो एरिया है जहाँ महागठबंधन को सफलता नहीं मिली थी, तो लोग उस समय भी नीतीश जी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति ये कहता, जो वोट नहीं देता था वो भी नीतीश जी के लिए किसी तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन आज मैं 60 दिन पैदल चलने के बाद ये आपको कह सकता हूँ कि नीतीश जी के लिए और उनकी सरकार के लिए जिस तरह के अपशब्द, जिस तरह के भाषा का प्रयोग सामान्य जनता कर रही है, वो नीतीश जी के लिए और जदयू, खास करके जदयू के साथ राजनीति करने वालों के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में कोई आदर भाव, एक बेसिक सम्मान नहीं है। मैंने मन से भी कहा है कि मेरा आकलन यह है कि नीतीश कुमार जी अगर सुरक्षा न हो तो शायद ही कोई पंचायत ऐसा है जिसको कि वो पैदल पार कर सकते हो, सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी एक पंचायत को चुन ले, कम से कम जिन पंचायतों में मैं गया हूँ या चंपारण के जिन पंचायतों को मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ मेरा अनुभव रहा है, इसमें किसी पंचायत में नीतीश कुमार पैदल नहीं चल सकते हैं। अगर उनके साथ सुरक्षा न हो या अगर सरकारी हमला न हो तो पैदल चल के कोई पंचायत पार नहीं हो सकेंगे, इतना गुस्सा लोगों में नीचे है।